गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? एक नए दिन का आगाज करते हैं, लेट्स गो। सुबह उठ के पहला काम मैंने ये किया कि वॉशिंग मशीन ऑन की है, मशीन लगाई है, कपड़े हो रहे थे, मैंने कहा चले फर्स्ट टाइम में यही धो लेती हूँ। 1000 years later जी, मैं तो उठ गई हूँ लेकिन मियाँ साहब मेरे अभी तक सो रहे हैं। बहुत नाजुक सूरत हाल है, उनको उठाते हैं। देवा उठा ले रे बाबा, अल्लाह करे उठ जाए जल्दी वो, तो फिर नाश्ता करते हैं। एदी मां ने पता नहीं केड़ी फीम दी डरी खा के इनू जम्मिया, एदे नाल दे अफसर लग गए, ए हले मंजे नु ही लग्या। ओए उठ जा, उठ जा पुत, उठ जा, धूप चढ़ गई है। 3000 years later जी, कपड़े धो के फ्री हो गई हूँ, अब मैंने कहा चले नाश्ता कर लेते हैं। जी शेख साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कैसे हैं? ठीक है सब। आज बिस्मिल्लाह करें, नाश्ता करें जी। सलावा कुलचा साथ में चाय, ये भी लाहौरी नाश्ता है देसी। सलावा कुलचा साथ में चाय, बहुत मजा आता है इसका भी जी। बगैर किसी सालन के, किसी अंडे के, चाय के साथ। चले जी, मिलते हैं आपसे नाश्ते के बाद। मान क्या बना रही हो आज तुम? आज माश की दाल बनने लगी है, मम्मा की तबीयत नहीं ठीक आज। अच्छा, तो खाना में आज मैं बना रही हूँ। ठीक है, मैं तो यहाँ नहीं आनी। नहीं, बन रही है माश की दाल। मैंने प्याज डाल दिया ऑयल के अंदर, और ये है टमाटर और लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाऊंगी अभी, तो साथ साथ रहिएगा। और ये है माश की दाल जो मैंने अभी भिगो के रख दी है पानी के अंदर कुछ देर के लिए, खाना स्टार्ट होने से पहले ही मैंने भिगो के रख दी थी इसको। तब इसके ब्राउन होने का वेट करते हैं, तब तक हम लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेते हैं। लहसुन अदरक मैंने इसके अंदर डाल दिया, अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं टमाटर, नमक मिर्च ऐड कर रहे हैं और हल्दी को पकाएंगे, और फिर इसके अंदर दाल ऐड करके तो प्रेशर लगा देंगे। इसके अंदर और प्रेशर लगा दिया और आन जो है वो फुल तेज़ कर दिया। अब प्रेशर जब खुलेगा तो फिर मिलते हैं आपसे। खाना तैयार है, आज खाना मेरी बेटी ने बनाया। आज खाना ईमान ने बनाया, आजकल खाना ईमान बना रही है और बड़ा अच्छा टेस्टी बना रही है। माश की दाल बनाई है। मतलब आपको मेरी और ईमान की फेवरेट है ये मदरी रोटी, मेरी तो नहीं है। बच्चे खाते हैं, खा के बताओ कैसी बन रही है। मदरी रोटी खाते है ना, अपने निकाल दो ना। मदरी कैसा बना जी? मजेदार। ईमान सुन लो अपनी तारीफ बेटा। थैंक यू पापा। A few moments later, व्यूअर्स आपसे मुझे एक बात शेयर करनी थी, वो मुझे अभी याद आया, मैंने कहा आपको भी बता दें कि हमारी कल की जो वीडियो हमने अपलोड की थी मैच वाली, वो स्टार स्पोर्ट्स ने रिमूव कर दी। मैंने आज शाम को उसको दोबारा अपलोड किया है, तो प्लीज़ चेकआउट, प्लीज़ उसको ज़रूर देखिएगा और उसको अच्छे से कमेंट्स और लाइक्स भी जरूर, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, बहुत शुक्रिया। इसको काम खत्म करके फ्री हो गए हूँ, सारे घर के बल्कि सारे दिन के काम खत्म हो गए हैं, लेकिन अब बैठनी सख्त बोरियत हो रही है। हस्बैंड साहब भी बाहर निकले हुए हैं, आते हैं तो कहती हूँ कोई गाना शाना सुना दें आज मूड फ्रेश हो जाए थोड़ा सा। चलें आते हैं तो फिर करते हैं उनसे बात। अभी मजा आएगा ना। अच्छा चलो ठीक है, चले मैं इसको छोड़े, मेरी बात सुने। सारे काम करके फ्री हो गए हैं, मैं बच्चों से ही बातें कर रही थी, मैं कहा आज बड़ा मूड ऑफ हो रहा है पता नहीं क्यों। बच्चों से बातें कर रही थी, हस्बैंड से कभी तो आप नहीं। गजब बेइज्जती है थे ना, थोड़ी तो हो रही है यार पापा। तो क्या नाचोगे? कोई गाना ही सुना दे, वो जो आप अक्सर बच्चों को भी सुनाते होते हो। मुझे, मैं क्या कुमार सानू? नहीं आप कुमार सानू नहीं है, कुमार हूँ मैं, मेरे हस्बैंड हूँ। मैं कौन हूँ? मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ, मेरे हस्बैंड तो है ना। चले आप गाना तो सुना दें, जो आपको आता है वो तो सुना देना। मुझे जो आता है, जो आप अक्सर बच्चों को सुनाते हैं, फरमाइश करेंगे वो सुनाएंगे। वो सुना दो पापा, आजकल बड़ा सुन रहे हैं, दो दिन मिल रहे हैं। वो वाला किस फिल्म का गाना? वो कुमार सानू का है, उसका है परदेश मूवी का। हाँ हाँ परदेश का। चलो ठीक है फिर, वो गिटार के बगैर तो आप कहते हैं, आप गिटार बार बार पकड़ते हैं, फिर गिटार के बगैर चले जी लेकर आए म्यूजिक। इधर से पकड़ा दो ना, वहाँ लो बिस बिस्मिल्लाह गाना गा।
भोले भोले बनकर है बैठे, जैसे कोई बात नहीं, सब कुछ नजर आ रहा है, दिन है ये रात नहीं, क्या है कुछ भी नहीं है अगर होठों पे है खामोशी मगर बातें कर रहा है। दौरान ने कहता वो कहता बातें कर रही है नजर। जी मैडम खुश हुई है? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया, देख ले बच्चे भी खुश हो गए हैं। थैंक यू बहुत मजा आया, बहुत बहुत इस बच्ची के किसी को पसंद नहीं है। किसी को पसंद नहीं है? इसको नहीं पसंद आया, हम सबको तो बहुत पसंद आया। इसी के साथ आज के व्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।